हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एनवायरनमेंट। तो आज की वीडियो बेस्ड है टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इंडिया के 10 अनजान तथ्य। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट फैक्ट की। तो हमारा फर्स्ट फैक्ट है राजस्थान हैज़ अ टेम्पल ऑफ रैट्स, यानी राजस्थान में एक चूहों का मंदिर है। राजस्थान के बीकानेर में एक मंदिर है जिसका नाम है करणी माता टेम्पल, और इस मंदिर में करीब 25,000 चूहे हैं और इन चूहों को माता की संतान माना जाता है। आमतौर पर कोई भी चूहे का झूठा खाने के बजाय उसको फेंक देता है, लेकिन इस मंदिर में इसका उल्टा है। इसमें भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। तो दूसरा फैक्ट है इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू माइन डायमंड्स, यानी भारत दुनिया का पहला देश है जिसने डायमंड्स यानी हीरे की खोज की। 4th century यानी 4th शताब्दी में, आज से लगभग 1000 साल पहले, पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ही ऐसा देश था जहां हीरा पाया जाता था। थर्ड फैक्ट है मोस्ट इंडियंस ईट ओनली विद देयर फिंगर्स, यानी बहुत से भारतीय सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं खाना खाते वक्त। वो केवल उंगलियों के द्वारा ही निवाला बनाते हैं, थंब का यानी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते। और फूड से रिलेटेड इसी में एक और फैक्ट अगर हम जोड़ें, तो इंडियन फूड वर्ल्ड में सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला क्यूज़ीन है। अगले फैक्ट पे आते हैं, और ये फैक्ट है ताजमहल के बारे में। द ताजमहल इज स्लोली चेंजिंग इट्स कलर। डिड यू नो, ताजमहल धीरे धीरे अपना कलर बदल रहा है। वैसे तो इंसान रंग बदलते हैं, ताजमहल भी बदल रहा है। खैर, कम टू द पॉइंट, ताजमहल के कलर के चेंज होने का मेन रीज़न जो है वो है बढ़ता हुआ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, और ये जो जहरीली गैसेस, ख़राब वातावरण, यही वजह है कि दूध की तरह सफ़ेद ताजमहल अब पॉल्यूशन की वजह से पीला पड़ता जा रहा है। फिफ्थ फैक्ट है, इन सम प्लेसेस इन इंडिया कोक एंड पेप्सी आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। इंडियन फार्मर्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ के राज्य में बहुत से किसान कोका कोला और पेप्सी को एज अ पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, यानी कीटनाशकों के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बाकी कीटनाशकों से सस्ता मिलता है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर होता है। नाउ कम टू द सिक्स्थ फैक्ट, टी इज़ द नेशनल बेवरेजेस इन इंडिया। इंडिया में लगभग 80% से ज़्यादा घरों में चाय का इस्तेमाल होता है, और अब हर भारतीय को इसकी लत सी लग चुकी है। पूरी दुनिया में काली चाय का यानी ब्लैक टी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश भी भारत ही है। दुनिया में काली चाय की सबसे ज़्यादा खपत यानी यूसेज भारत में ही होती है। चाय लगभग सभी भारतीयों की आदत बन चुकी है। शैम्पू ओरिजिनेटेड इन इंडिया, यानी शैम्पू का आविष्कार इंडिया में ही हुआ है। जब अंग्रेज़ भारत आए तब उनकी नज़र इस शैम्पू यानी मीठा आंवला और फलों के गूदों के मिक्सचर पर पड़ी। वे इसे अपने देश लेकर गए और वहां पर शैम्पू के नाम के साथ इसे बाज़ार में उतारा। नेक्स्ट फैक्ट है, देयर इज़ अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। दुनिया की जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर के डल लेक यानी डल झील में एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस देखने को मिल रहा है। इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में वो सारे कामकाज होते हैं जो दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इट मीन्स भारत में लगभग 22 अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मलयालम, संस्कृत, कश्मीरी, मणिपुरी, मराठी, तेलुगु, पंजाब और ऐसे ही बहुत सारे। ये लास्ट फैक्ट है इस वीडियो का, फैक्ट नंबर 10, द फर्स्ट रॉकेट इन इंडिया वॉज ट्रांसपोर्टेड ऑन अ बाइसिकल। भारत में पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था। यह इतना हल्का और छोटा था कि इसे साइकिल से केरल के थंबा से लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाया गया था। इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को इंडिया के बारे में ये अजीबोगरीब जानकारियाँ पसंद आई होंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट अस।